हेलो एवरीवन आज का सम है क्यू प्लस स्क्वायर इक्वल टू वन बाई एट और यहाँ पर हमें का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में हम राइट हैंड साइड का जो एट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और बाय क्रॉस मल्टीफ्लिकेशन एट इंटू यक्स क्यू प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल टू वन और एट इंटूक्स इक्वल टू एट क्यूब प्लस एट इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन और एट एट को हम करते हैं टू फोर जा एट टू टू यानी टू क्यूब तो लिख सकते हैं टू क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस टू इंटू टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन और ए क्यू इंटू बी क्यू इक्वल टू होता है ए बी होल के इसी प्रॉपर्टीज का यूज यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तब ये हो जाएगा टू एक्स होल क्यू प्लस टू इंटू टू एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वन और टू एक्स होल क्यू प्लस टू इंटू टू एक्स वल टू टू एक्स टू एक्स के बदले यहाँ पर हम y लेट किए हैं तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा और वाई क्यू प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो और इसको लिख सकते हैं वाई क्यू प्लस टू वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस y square minus वन इक्वल टू जीरो और यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखें वाई स्क्वायर कॉमन है वाई स्क्वायर कॉमन लिए बच गया वाई प्लस वन प्लस लास्ट टू टर्म देखें वाई स्क्वायर माइनस वन को हम वन स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो और वाई स्क्वायर इन वाई प्लस वन प्लस लास्ट का टू टर्म देखे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है और ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तब यहाँ हो जाएगा वाई प्लस वन इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो और यहाँ पे देखिए टू टर्म है और दोनों में y प्लस वन वाई प्लस वन कॉमन है इसलिए y प्लस वन हम कॉमन ले लिए बच गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो डेट इज आइदर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू माइनस वन और वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो अब यहां देखें वाई हमने किसके बदले लेट किया है वाई इक्वल टू टू एक्स और टू एक्स इक्वल टू माइनस वन देर फोर यक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू यानी यस का एक वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गया है अब हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं सेकेंड इक्वेशन एक के में है।, है एक, एक, एक जीरो। यहां के है और क्वाडेटिकार्लो यहाँ पे इक्वेशन के जनरल फॉर्म से हम इसका कंपेरिजन करते हैं तब ए इक्वल टू वन बीक्वल टू वन सी इक्वल टू माइनस वन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट फाइंड करने का फार्मूला जो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए इसी फार्मूले का यूज यहाँ पर हम वाई को फाइंड करने के लिए करेंगे इसलिए वाई इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन बाय टू इंटू वन इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन फोर वन जा फोर माइनस माइनस प्लस प्लस फोर बाय टू इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू यानी वाई इक्वल टू यहां पर आया माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू और वाई हमने टू एक्स से बदले लेट किया है देर फोर टू एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टू तो टू एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई टू इंटू टू दोनों साइड टू से डिवाइड किए हैं लेफ्ट हैंड साइड का टू एंड टू दोनों कैंसिल हो गया बचा एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय फोर इस तरीके से यहाँ पर एक्स का थ्री वैल्यू जो मुझे मिला है यक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव बाय फोर माइनस वन माइनस अंडर रूट फाइव बाय फोर एंड माइनस वन बाय टू लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू